हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में आपने डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में जाना है। इनकी परिभाषाएं का अपन ने अध्ययन किया और डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स के एग्जांपल भी अपन ने देखे कि जहां इंसिडेंस ऑफ टैक्स और इम्पैक्ट ऑफ टैक्स एक ही व्यक्ति पर यदि गिरता है तो वो कहलाता है डायरेक्ट टैक्स, और यदि इम्पैक्ट ऑफ टैक्स और इंसिडेंस ऑफ टैक्स कराघात और करापात जब अलग अलग व्यक्तियों पर गिरते हैं पड़ते हैं, ठीक है, तो वो कहलाता है इनडायरेक्ट टैक्स। और जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स का एक एग्जाम्पल है और डायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल है इनकम टैक्स। ठीक है, तो अब अपन आज के लेक्चर में देखेंगे भारत में आयकर का संक्षिप्त इतिहास, ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ इंडियन इनकम टैक्स इन इंडिया। इनकम टैक्स वॉज इंट्रोड्यूस्ड एंड इम्पोज इन इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1860 बाई सर जेम्स विल्सन। एट दैट टाइम द एग्जम्पशन लिमिट ऑफ इनकम टैक्स वॉज रुपीज 200 विच वॉज लेटर ऑन इंक्रीज टू रुपीज 600 इन 1862। इन 1886 फॉर द फर्स्ट टाइम ए डिटेल एक्ट रिगार्डिंग इनकम टैक्स वॉज इम्पोज। इन 1916 फॉर द फर्स्ट टाइम द प्रोग्रेसिव रेट्स ऑफ इनकम टैक्स वर इंट्रोड्यूस्ड। इंडिया में सर्वप्रथम 1860 में इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस किया गया था सर जेम्स विल्सन द्वारा। और 1860 में जब इंट्रोड्यूस किया गया था उस समय जो इनकम टैक्स की जो एग्जम्पशन की जो लिमिट थी वो है 200 रुपए, 1862 में 600 रुपए कर दिया गया है। 1886 में सर्वप्रथम इनकम टैक्स एक्ट पारित किया गया पास किया गया। तो भारत में सबसे पहले 1860 में इनकम टैक्स लगाया गया है। उस समय 1857 की जो विद्रोह हुआ था, सैनिक के विद्रोह, उसके कारण ब्रिटिश राज्य को बहुत बड़ी हानि हुई थी। इस हानि की पूर्ति के लिए इंग्लिश सरकार या ब्रिटिश सरकार द्वारा 1860 में इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस किया गया था। और उस समय कर की जो सीमा थी 200 रुपए तक इनकम टैक्स नहीं लगता था, उसके बाद इनकम टैक्स लगता था। और 1862 में जो सीमा थी वो 600 रुपए कर दी गई। 1886 में पहली बार आयकर से संबंधित एक विस्तृत अधिनियम पास किया गया। तभी से आयकर भारतीय वित्तीय व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण और स्थायी अंग बन गया है। 1916 में पहली बार आयकर की जो प्रगतिशील रेट्स प्रोग्रेसिव रेट्स इंट्रोड्यूस की गई। 1886 के अधिनियम में समय समय पर आवश्यक संशोधन अमेंडमेंट्स भी होते रहे और यह अधिनियम 1917 तक चलता रहा। इन 1918 ए न्यू एक्ट वॉज इनेक्टेड इन द प्लेस ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1886। द मेन फीचर ऑफ द एक्ट वॉज टू असेस द टैक्स ऑन द करंट ईयर्स इनकम ऑन द सेम ईयर। In 1922, a new act, Income Tax Act 1922, took the place of previous act. In this act, a new system of assessing the tax on previous year's income during the current years was introduced. Income Tax Act 1886 के स्थान पर 1918 में एक नया एक्ट लागू किया गया और इसका जो मुख्य फीचर था वो टैक्स का जो कैलकुलेशन है करंट ईयर्स की इनकम पर सेम ईयर में टैक्स लगता है, मतलब जिस ईयर में आपकी इनकम हुई उसी ईयर में टैक्स देना होगा। इसके बाद में 1922 में एक नया टैक्स इनकम टैक्स एक्ट इंट्रोड्यूस हुआ जो 1918 का जो पिछला एक्ट था उसको रिप्लेस कर दिया गया। इसमें जो नया सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया कि जो इनकम है प्रीवियस ईयर की जो इनकम है उसमें करंट ईयर या ड्यूरिंग दिस करंट ईयर में टैक्स का असेसमेंट होता है। 1918 का अधिनियम केवल 4 वर्ष ही प्रभाव में रहा और 1922 में इसके स्थान पर एक नया एक्ट लागू कर दिया पास कर दिया है। इस अधिनियम में पूर्व वर्ष के सिद्धांत को समाप्त करके गत वर्ष के आधार पर कर लगाने का प्रावधान किया गया। इस अधिनियम के अंतर्गत प्रतिवर्ष वित्त अधिनियम पास करने की व्यवस्था भी की गई। तो इसमें एक तो प्रीवियस ईयर का इस वर्ष में टैक्स लगेगा, ठीक है, 1922 के एक्ट में। इसके साथ एक व्यवस्था और कर दी गई
वो थी प्रतिवर्ष वित्त अधिनियम लागू करने की। अंडर दिस एक्ट ए प्रोविजन ऑफ इनेक्टिंग फाइनेंशियल एक्ट एवरी ईयर वाज आल्सो मेड। इन 1956 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रेफर्ड द एक्ट टू द लॉ कमीशन टू रिकास्ट इट सुटेबली सो दैट टू मेक सिंपल एंड क्लियर। मीनवाइल द गवर्नमेंट अपॉइंटेड डायरेक्ट टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन इंक्वायरी कमिटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर महावीर त्यागी टू रिकमेंड वेज टू टेक टैक्स इवेशन टू रिड्यूस कॉम्प्लिकेशन एंड टू मिनिमाइज इनकन्वीनियंस कॉजेस टू एसेस। दिस कमिटी सबमिटेड इट्स रिपोर्ट इन 1959। आजादी के बाद 1956 में भारत सरकार ने इस अधिनियम को लॉ कमीशन के सुपुर्द कर दिया। इस समय तक आयकर अधिनियम में बहुत सारे संशोधन हो चुके थे और इन संशोधनों के कारण अधिनियम बहुत अधिक जटिल हो चुका था। इस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट 1958 में पेश की। इस दौरान करदाताओं की कठिनाइयों को दूर करने के लिए तथा कर चोरी को रोकने के संबंध में सुझाव देने के लिए सरकार द्वारा डायरेक्ट टैक्स एडमिनिस्ट्रेटिव इंक्वायरी कमेटी की नियुक्ति की। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट 1959 में पेश की। इस समय तक सरकार इस अधिनियम के स्थान पर नया अधिनियम के बारे में सोचने लगी थी। एक नया एक्ट इनकम टैक्स से संबंधित उसके बारे में सरकार द्वारा सोचना स्टार्ट कर दिया सरकार ने। इस कमेटी की रिपोर्ट और लॉ कमीशन के आधार पर 24 अप्रैल 1961 में एक बिल इनकम टैक्स बिल 1961 लोकसभा में पेश किया गया और 1 मई 1961 को यह बिल लोकसभा की प्रवर समिति को सौंप दिया गया और उसकी रिपोर्ट के आधार पर 1 सितंबर 1961 में वर्तमान आयकर अधिनियम 1961 इनकम टैक्स एक्ट 1961 लोकसभा द्वारा पास कर दिया गया। तो वर्तमान जो में जो इनकम टैक्स प्रचलित है चालू है वो है इनकम टैक्स एक्ट 1961।